ये और जो जानबूझ के रखे ही नहीं उनके लिए। अल्लाह 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 अल्ला, ये तो आपने बड़ा अहम पॉइंट बयान किया, क्योंकि मैं मुसलमानों को देखता हूँ। एक मरतबा एमरेट्स की फ्लाइट थी मेरी, मैं किसी मुल्क में जा रहा था, तो फर्स्ट क्लास में मैं बैठा हुआ था, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई जी। रमज़ान के दिन थे, सफ़र था, तो और मेरा रोज़ा था, और इत्तेफाक से मेरा रोज़ा भी इस तरह का था कि मैं मतलब सहरी में खाली पानी का घूंट भरा था और एक आध खजूर खाई थी, तो मुझे जल्द ही प्यास भी शदीद लग गई थी। तो मैं बहुत शदीद प्यास की हालत में था भी सफ़र में, लेकिन मुझे रोज़े से प्यार इतना था कि मैंने कहा कुछ भी हो जाए, मरना तो है कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से मर जाएंगे तो शहीद होंगे, कोई बात नहीं, रोज़े की हालत में मौत भी बहुत अच्छी है, मगर ये थोड़े से दुनिया के सफ़र हैं तो, और है भी सहूलत वाला, एयर कंडीशन होता है जहाज़ों में भी, तो बहुत अच्छा है सफ़र, अच्छा हो जाएगा, तो कोई मसला नहीं है, बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन अफसोस ये कि जैसे ही जहाज़ फिजा में बुलंद हुआ तो मैं हैरान हो गया कि जवान जवान लोग हैं बिल्कुल, यानी उनको कोई थकावट नहीं, कुछ नहीं जनाब भली, और अपनी मर्ज़ी की चीज़ें मंगवा रहे हैं और खा रहे हैं। मैंने एक बंदे को थोड़ा सा ज़रा कहा, मैंने कहा जी कि आप रमज़ान, उसने कहा जी हम सफ़र में हैं। मैंने कहा सफ़र में वाकई कुरान तो यही कहता है कि अगर सफ़र में हैं तो रोज़ा ना रखें और बाद में दिन पूरे करें, उसके बीमार है, बीमार होने की वजह से अगर कोई रोज़ा नहीं रख सकता तो अल्लाह ताला जुल्म नहीं फरमाता, अल्लाह ताला तो फरमाता है तो युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह तुम्हें तंगी तो नहीं करना चाहता, लेकिन जब तुम रख सकते हो तो क्यों नहीं रखते हो। कुरान मजीद की इन्हीं आयात के बाद में तो अल्लाह ताला ने फरमाया वा अंतसूमु खैरुल लकुम, बेहतर यही है कि तुम रोज़ा रख लेते तो अच्छा था। खैर मेरी इस तबलीग से वह बंदे को शर्मिंदगी हुई और उसने कहा ठीक है मैं आइंदा के बाद रोज़ा रखा करूँगा। मैंने कहा अगर कोई जान के लाले पड़ जाते हैं अलग बात होती है, तो यहाँ पर एक बात यह कि जो डॉक्टर हजरात कहते हैं, पिछले सवाल में बात रह गई थी, मैं ज़रा उसके बारे में बता दूँ, ये डॉक्टर कह देते हैं कि जनाबी रोज़ा ना रखें, और वो मरीज़ जो है ना वैसे जिंदगी के काम शाम करता रहता है और फिर रोज़ा जानबूझ के फिर जो है ना वो तोड़ता रहता है। तो मैं कहूँगा कि भारत शरीयत में ये बात लिखी है, तफीमुल मसाइल में ये बात लिखी है कि तबीब वो होना चाहिए जो मुत्तकी हो, डॉक्टर आम डॉक्टर ना हो, डॉक्टर खुद भी अय्याश हो, डॉक्टर खुद तकवा के खिलाफ हो, डॉक्टर खुद ही अच्छा ना इंसान हो, तो फिर वो मरीज को भी तकवे का हुक्म नहीं देगा। तो असल मकसद हमारा जान बचाना ही नहीं है, जान को अल्लाह के रस्ते में थकाना भी तो मकसद है। और फिर इंसान के अंदर हमदर्दी पैदा नहीं होती हुजूर, अगर आदमी जो है ना मतलब खाना पीना ही सब कुछ रख ले तो फिर उसके अंदर इंसानियत, दूसरों का दर्द, दूसरों की हमदर्दी कभी नहीं पैदा होगी। तो ये हमदर्दी तभी पैदा होगी जब इंसान अपनी जान पर सख्ती सह लेगा। तो मेरे अर्ज करने का मकसद यह कि हुजूर रोज़ा जो है ना वो एक बहुत ही अजीम चीज़ है, और इसको जान बूझ कर जो लोग नहीं रखते वो बहुत सख्त गुनहगार हैं, और क़यामत वाले दिन अगर उनको इस चीज़ के बारे में पता चला और चल जाए कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला को एक रोज़ा न जानबूझकर न रखने पर और जानबूझकर रोज़ा तोड़ने पर कितना गुस्सा आया था और उसकी कितनी बड़ी सज़ा मिलनी है, तो मैं समझता हूँ कि लोग जो है ना वो भूख के मारे मरना कबूल कर लेंगे लेकिन रोज़ा जानबूझकर नहीं तोड़ेंगे। लेकिन आजकल की नौजवान लड़कियाँ लड़के, ख़ास कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी व्यूवर्स हैं मेरे सुनने वाले, मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए या इंटरनेट के मुख्तलिफ ज़राए के जरिए जो मेरा पैगाम सुन रहे हैं, मैं उन सबसे कहूँगा कि सबसे पहली बात यह है कि टीवी चैनल्स पर जो प्रोग्राम आ रहे हैं उनमें जो मसाइल बयान करने वाले शरीयत के रहनुमा लोग हैं उनके मसाइल ज़रूर सुने, उनकी ज़ुबान से सुने। लेकिन आप एक ऐसे दुनियादार जो एक्टर्स लोग हैं जो आगे पीछे फिल्मों ड्रामों के काम करते हैं, रमज़ान के अंदर दुपट्टा ओढ़ा या टोपी लगाई और जनाब अली रमज़ान के अंदर जो है वो एंकर पर्सन बनकर रमज़ान के मसाइल बयान करने लग जाते हैं, वह आपको तकवा का मसला नहीं बताएंगे। तकवा का मसला वही बताएगा जो खुद भूखा प्यासा रहा हो, जिसने खुद भी रोज़े रखे हों और नफली रोज़े भी रखे हों। तो मैं तो आप सबसे इल्तजा करूँगा आपके वसीले से, दुनिया भर में जितने देखने वाले मुसलमान गाफिल बहन भाई हैं, खुदा के लिए कब्र के अज़ाब से डरो, खुदा के लिए कैंसर से डरो, खुदा के लिए बुरी अमराज से डरो।